खबरे खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबसे पहली आज के खेती के खास खबर। छत्तीसगढ़ राज्य में चलाए जाते मसाला विकास कार्यक्रम योजना, पालक भाजी में पदगलन रोग और ओखर बचाव के तकनीकी जानकारी, टमाटर के निर्मल 980 किस्म, लाल भाजी के सफल खेती। कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा नवा बदलाव आवतरी थे और ये बदलाव ला जान के किसान मन खेती करी तो मला बहुत फायदा हुई। छत्तीसगढ़ राज्य में तरह तरह के व्यंजन में मसाला के मांग ला देखते हुए सरकार द्वारा मसाला विकास कार्यक्रम चलाए जाते है। एकर अंतर्गत लहसुन, मिर्च, धनिया, मेथी, अदरक और हल्दी जैसे मसाला शामिल है। एकर बर लघु सीमांत और अन्य किसान मन ला कुल लागत के 50% प्रति हेक्टेयर के दर से अनुदान दिए जाही। संगे संग मिनी किट और बीज के जानकारी भी सरकार के चयनित अधिकारी द्वारा दिए जाही। ताहमर किसान भाई मन मसाला के उत्पादन कर अपन आर्थिक स्थिति ला सुधार सकते। बेहतर तकनीक फसल से संबंधित जानकारी ला जान के किसान मन खेती करी तो मला अच्छा उत्पादन मिली। पालक भाजी पौष्टिक ले भरपूर सब्जी आए। ए भाजी मा पदगलन नामक रोग प्रायः सबो जगह देखे जाते। ए रोग के मुख्य कारण बीज ला बोए के समय घना मा डालना जाना हरय। ए स्थिति मा पौधा ला उचित भोजन और प्रकाश नहीं मिल पाए और अंकुरण के 8-12 दिन बाद मही गिरे धर लेते। अगर बीज के बुआई ला घना नहीं करके छट्टा मा लगाही और पानी के निकासी के बने प्रबंध रही तो ये पदगलन रोग नहीं होए। संगे संग 3 साल में 1 बार पालक के खेत में बोर्डो मिश्रण दवा के छिड़काव करना चाहिए और मिट्टी के उपचार ला बुआई के 15 दिन के पहले ले ही करना चाहिए। अब खेती संबंधी खास खबर। सूक्ष्म सिंचाई ला प्रोत्साहन करे के उद्देश्य ले राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना प्रारंभ करे जाही, जेकर अंतर्गत किसान मन ला इकाई लागत के 75% अनुदान के रूप में दिए जाही। एकर बर 25 करोड़ रूपया के प्रावधान रखे गए है। कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते और एकर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। स्प्रिंग कल्टीवेटर बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें जो स्प्रिंग लगे रहते हैं जो एक अच्छी क्वालिटी के मटेरियल से बने हुए हैं। स्प्रिंग कल्टीवेटर की ये विशेषता है कि ये जो उबड़ खाबड़ जमीन होती है या पथरीली जमीन होती है जहाँ पर भूमि लेवल नहीं होती है वहां पर इस कल्टीवेटर का यूज किया जाता है और ये नीचे से जड़ों में फंसने के लिए या पथरीली जमीन के ऊपर से निकल जाता है, इसलिए इसको उपयोग छत्तीसगढ़ में जो ऊपर अंबिकापुर, सरगुजा और इधर जगदलपुर, कांकेर, पखांजूर में काफी इसका बहुत ही अच्छा उपयोग होता है और ये किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी है। खास बात यह है कि ये किसानों को एक बार लेने से इसकी लाइफ काफी अच्छी है और 8 से 10 साल ये चल जाता है। इसकी जो कुल कीमत है वो 32,400 रुपए है, उसमें किसानों को 50% अनुदान मिल जाता है। नवा नवा किस्म अपनाए ले और नवा नवा बीज के उपयोग करे ले ओखर से गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार होते। साग भाजी के खेती करैया किसान भाई मनला टमाटर के एक उन्नत किस्म निर्मल 980 के जानकारी देवत हन। ये किस्म के टमाटर हर गर्म और आद्र जलवायु में सबले बढ़िया होते। जीवांश युक्त दोमट मिट्टी या बलुई मिट्टी में उचित पानी और निकासी व्यवस्था के संगे संग उचित खाद व्यवस्था ले ये फसल हर 2.5 से 3 महीना में तैयार हो जाते। दिखे में गहरा लाल, अंडाकार, मोटा छिलका, परिवहन के लिए उत्तम रहते। ये फसल है वजन में लगभग 50 से 60 ग्राम तक के वजन रहते। तो हमर किसान भाई मन टमाटर के नवीन किस्म ला अपना के अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकते। सफलता अगर कोनो किसान है नवा जानकारी के हिसाब से खेती किसानी करके सफलता प्राप्त करते तो ओखर सफलता से और किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलते। आजकल ज्यादातर किसान भाई मन है पारंपरिक खेती के अलावा सब्जी भाजी की खेती घलो करत है और अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत करत है। ऐसन है रायपुर जिला के किसान राजू भाई है अपन 1 एकड़ के खेत में लाल भाजी के खेती ला उन्नत तरीका ले करत हवे। जानकारी देवत ओहर बताते कि ओखर ये लाल भाजी के खेती करे में निंदाई, कोड़ाई, सिंचाई, बुआई और खाद पानी की व्यवस्था में ओला लगभग 40 से 50 हजार रुपए तक के खर्चा आया हवे। ओखर अनुमान है कि अपन ये उत्पादन ला बाजार में बेच के लगभग 70 से 80 हजार रुपए तक की आमदनी प्राप्त कर ली ही। ओकर ये ज्यादा उत्पादन ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा ले थे और उहु मन हा उन्नत तरीका ले खेती करके अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत करत है। आवाओ अब जानथन मौसम के हालचाल। मौसम विभाग ले मिले जानकारी के अनुसार आज दिन भर आसमान में बादल छाए रही और पानी के बूंदाबांदी भी हो इसके संभावना है। आज के अंक में बसत के दूसरिया अंक में खेती किसानी से संबंधित नवा नवा जानकारी लेके फिर आबो। तब तक बर जम्मो झल्ला जय जोहार।
नमस्कार, मंडी भाव में आप मन के स्वागत है। आवा देखबो हमारे प्रदेश के अलग अलग जगह के मंडी मन में धान फल और सब्जी मन के का भाव है। आज बालोद कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1150 रुपया और अधिकतम भाव 1501 रुपया प्रति क्विंटल। नवापारा कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1200 रुपया और अधिकतम भाव 1445 रुपया प्रति क्विंटल। बिलासपुर कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1104 रुपया और अधिकतम भाव 1420 रुपया प्रति क्विंटल। महासमुंद कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1010 रुपया और अधिकतम भाव 1395 रुपया प्रति क्विंटल। आज रायपुर के फल मंडी में संतरा के बने आवक देखे गए हैं। एकर व्यापार करैया व्यापारी मन बताते कि थोक में एकर भाव 18 ले 20 रुपया है, उन्हें चिल्हर में 25 ले 30 रुपया किलो में बिकत हवे। अब बारी है मंडी समीक्षा की। बालोद कृषि उपज मंडी समिति में धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1215 रुपया से 1501 रुपया प्रति क्विंटल। अन्य किस्म के धान ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1415 रुपया प्रति क्विंटल। धान स्वर्णामासुरी पुराना ला भाव मिले है 1200 रुपया ले 1425 रुपया प्रति क्विंटल। नवापारा कृषि उपज मंडी में धान संभा मासूरी ला भाव मिले है 1095 रुपया ले 1395 रुपया प्रति क्विंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति क्विंटल। बिलासपुर कृषि उपज मंडी में धान मध्यम ला भाव मिले है 1195 रुपया ले 1402 रुपया प्रति क्विंटल। धान स्वर्णामासूरी ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1415 रुपया प्रति क्विंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति क्विंटल। महासमुंद कृषि उपज मंडी समिति में धान स्वर्णामासूरी ला भाव मिले है 1009 रुपया ले 1370 रुपया प्रति क्विंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति क्विंटल। धान संभा मासूरी ला भाव मिले है 1095 रुपया ले 1395 रुपया प्रति क्विंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1150 रुपया ले 1395 रुपया प्रति क्विंटल। अब मोला दो विदा, फिर मिलवो, तब तक बर जय जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई, आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिकर ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जा करके कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1800-1551 पर संपर्क करें। कार्यक्रम देखाइया जम्मो किसान भाई मल्ला, जय जोहार। किसान भाइयों, जैसे कि आप मन जाना तो ये कार्यक्रम हवे कृषि दर्शन, जेकर माध्यम से हमन आप मल्ला नाना प्रकार के फसल के जानकारी देवत रहथन। हमारे कार्यक्रम के उद्देश्य कि आप मल्ला आधुनिक और वैज्ञानिक खेती के भी जानकारी मिल सके। हमन आज आप मल्ला भट्टा के आधुनिक और वैज्ञानिक खेती कौन तरीका ले करना चाहिए आवा जानकारी देते।
छत्तीसगढ़ में अब बैगन को व्यापारिक रूप से उपजाया जाने लगा है। छत्तीसगढ़ की भूमि बैगन के मान से एकदम उपयुक्त है। बैगन की अच्छी उत्पादकता के लिए 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान सर्वोत्तम पाया गया है और बीज के अंकुरण के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड को आदर्श तापमान माना गया है। हमारा छत्तीसगढ़ बैगन के लिए एक आदर्श जगह है। इसके पौधों को अच्छी बढ़वार के लिए जीवांशयुक्त महीन और उपजाऊ भूमि की आवश्यकता होती है। बहुत ही अच्छा हो कि उस भूमि का पीएच मान 5.5 से 6 के बीच हो। हमारे राज्य में ये भी संभव है कि बैगन की फसल साल भर ली जा सके। भटे की खेती के लिए भूमि को तैयार करने के लिए उसे ट्रैक्टर से अच्छी तरह से जुताई करना चाहिए, साथ ही साथ मांदा निर्माण का काम भी इसी समय कर लेना चाहिए। भूमि की मिट्टी को भुरभुरी बना लें ताकि वायु का प्रवाह जड़ तक बनी रहे। गर्मी में खेत खाली रखकर मिट्टी पलटने वाले हल के द्वारा गहरी जुताई करें और अप्रैल मई 2 माह सूर्य का ताप दिखाएं। ऐसा करने से बैगन की फसल को कई तरह के रोगों से बचाया जा सकता है। किसान भाइयों, भट्टा के खेती में जल प्रबंधन के घलो बड़ा महत्व है। सिंचाई कब कब और कतका मात्रा में करन आव जानकारी लेथन। कृषि के जानकारों के आधार पर बैगन की अच्छी पैदावार के लिए उचित सिंचाई अमृत के तुल्य होती है। बस इतना ही याद रहे कि बैगन के पौधों को सदा नमी चाहिए होती है। इस सूत्र मंत्र को ध्यान में रखते हुए हमारे राज्य के बहुत से नूतन विचारधारा वाले किसान भाई बहुत हद तक वैसी सिंचाई दे रहे हैं जो बैगन की फसल को दरकार है। ये व्यवस्था बनाए रखने के लिए गर्मी के दिनों में 4 से 5 दिनों के अंतराल में और शरद ऋतु में यही सिंचाई 12 से 15 दिनों के अंतराल में यथासंभव दे, साथ ही जल निकासी के लिए भी चौकस रहें। जैसा कि फसल की मांग है कि उसे हमेशा मृदा में नमी चाहिए, इसके लिए ड्रिप इरिगेशन या टपक पद्धति बेहतर है। इस नई और वैज्ञानिक तकनीक को भी हमारे छत्तीसगढ़ में अपनाया जा रहा है और जल की अनावश्यक खपत को कम किया जा रहा है। बैगन की बुआई के लिए फरवरी मार्च मई जून और अक्टूबर नवंबर सबसे मुनासिब वक्त होता है। पौधा जब 4 से 5 सप्ताह का हो जाए तो लंबे फल वाली प्रजातियों को 60x60 सेंटीमीटर की दूरी पर और गोल फल वाली प्रजातियों को 75x75 सेंटीमीटर की दूरी पर रोपित करते हुए सिंचाई करना चाहिए। जल प्रबंधन की दृष्टि से अधिक बरसात वाले क्षेत्रों में ऊंची उठी हुई मेड़ों में रोपाई करना चाहिए और गर्म क्षेत्रों या गर्म मौसम में फरो बेड में पौधे लगाना बेहतर होता है। ध्यान रहे कि एक स्थान में केवल एक ही पौधा लगाया जाना चाहिए। किसान भाइयों, भट्टा के खेती में खाद प्रबंधन के भी बड़ा महत्व है। जैविक खाद कब डालना चाहिए, रासायनिक खाद कब डालना चाहिए, आवो विस्तार से जानकारी लेता। बैगन की फसल को अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। इन पोषक तत्वों की उपलब्धता को सुलभ बनाए रखने के लिए खेत की कम से कम 4 से 5 अच्छी जुताई करके सिफारिश मात्रा में गोबर की सड़ी खाद आखिरी जुताई के साथ ही भूमि में अच्छी तरह से मिलाकर दें। साथ ही प्रति हेक्टेयर के पीछे 100 किलोग्राम नत्रजन, 80 किलोग्राम स्फुर और 60 किलोग्राम पोटाश की मात्रा से नत्रजन की आधी मात्रा और स्फुर और पोटाश की पूरी मात्रा अंतिम जुताई के साथ मिलाकर दें। शेष बची आधी नत्रजन को 2 बार में दिया जाना चाहिए, पहली रोपाई के 30 दिनों के बाद और दूसरी 45 दिनों के बाद दिया जाना चाहिए। बैगन की फसल के लिए खरपतवार का नियंत्रण भी बहुत आवश्यक होता है। अवांछित खरपतवारों से निजात पाने के लिए खुरपी और कुदाली की मदद से समय समय पर निंदाई गुड़ाई करते रहना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण को और आसान बनाने के लिए निंदानाशक दवा जैसे पेंडीमेथालीन की 1 किलोग्राम मात्रा को प्रति हेक्टेयर की दर से
रुपाई से पहले इस्तेमाल में लाई जानी चाहिए। बैगन की उपज, भूमि की उर्वरा शक्ति, बैगन की किस्म और बुआई का समय का चयन पर निर्भर करती है। आमतौर पर 250 से 300 क्विंटल की उपज प्राप्त हुआ करती है और संकर किस्मों में 600 क्विंटल तक भी उपज प्राप्त की जा सकती है। किसान भाइयों, भट्टा के खेती में रोग होए के घलोक डर रही थे। जब हमार फसल अच्छा बढ़ जाते, लहलहा जाते, तो वहाँ रोग लगे के डर रही थे। ये रोग ले कैसे बचन, कौन से दवा ला, कतका मात्रा में डालन, कब कब डालन, आवो विस्तार से जानकारी लेतन। तना छेदक या फल छेदक बैगन की फसल में लगने वाला प्रमुख कीट है, जिसका की प्रबंधन यदि वक्त रहते न किया गया तो ये कीट 50-75% तक के फसलों को नुकसान पहुंचा सकता है। इस कीट की रोकथाम के लिए फसल की आरंभिक अवस्था में डाइमेथोएट 30 EC 1 लीटर प्रति हेक्टेयर या मोनोक्रोटोफास 750 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर के मान से छिड़काव करना लाभदायी होता है। फल आने पर नीम आधारित कीटनाशक दवा का 3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। याद रहे, एक ही कीटनाशक दवा दो बार न डाली जाए। लाल मकड़ी या माइट भी बैगन में लगने वाला एक महत्वपूर्ण कीट है और ख़ास बात तो ये है कि इन कीटों का नियंत्रण कीटनाशकों से भी संभव नहीं है। दरअसल ये कीट कीट न होकर एक तरह की मकड़ी होती हैं। इस कीट का कुप्रभाव प्रभावित पौधों की पत्तियों पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इन कीटों को नियंत्रण में लाने के लिए घुलनशील गंधक 0.2% या 0.1% कैलेक्सिन का छिड़काव 10 से 12 दिनों के अंतराल में कम से कम दो बार करना चाहिए। इस पर भी ध्यान देने योग्य बात यह है कि छिड़काव पत्तियों के निचले हिस्से में ही की जानी चाहिए। बैगन की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले रोग मुख्यतः दो ही प्रकार के होते हैं, जिनके की नाम है जीवाणु उकटा रोग, ये बैक्टीरियल विल्ट और जड़गांठ या रूट नॉट रोग है। जीवाणु उकटा से प्रभावित पौधे किसी भी उम्र के हो सकते हैं। इस रोग के कुप्रभाव से एकाएक हरे पौधे मुरझाकर मर सकते हैं। इस रोग का कारक है जीवाणु सुडोमोनास सोलेनेसीरम, जो एक मिट्टी जनक जीवाणु है। सब्जी उत्पादक खेत के खाली नहीं होने की दशा में ही ये जीवाणु पनपते हैं। कृषक बंधुओं को इस ओर से भी सजग रहने की आवश्यकता है। इस रोग से प्रभावित खेतों में गुड़ाई बंद कर देना चाहिए, फसल चक्र अपनाना चाहिए, यानी फसल बदल बदल कर लगाई जानी चाहिए। इस रोग से बचाव के लिए हमारे राज्य के कई किसानों ने कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर कुछ रोग प्रतिरोधक जातियां जैसे पंत सम्राट, अर्का निधि, अर्का नीलकंठ और अर्का केशव लगाकर बहुत हद तक इन रोगों से अपने खेतों को और अपनी उपज को बचाया है। बैगन की फसल में होने वाला दूसरा प्रमुख रोग है जड़ गांठ रोग। इस रोग की पहचान जड़ों में बनने वाली गांठ से की जा सकती है। इस रोग के कुप्रभाव से पौधों की बढ़वार रुक जाती है, हालांकि पौधे हरे के हरे बने रहते हैं। गांठों से प्रभावित पौधों की मृत्यु तो नहीं होती, लेकिन 2 माह के भीतर अन्य फफूंद और जीवाणियों से पौधों का विगलन हो जाता है। ये रोग एक सूत्रकृमि, जिसका कि नाम मिलाइड योगिनी इंकटनिटा है, इससे होता है, जो जड़ों की गांठों में रहते हैं। इस रोग से उपचार के लिए खड़ी फसल में रोग प्रबंधन के कोई उपाय नहीं है, केवल प्रभावित पौधों को जड़ सहित उखाड़कर जला देना चाहिए। साथ ही प्रभावित जड़ों के आसपास की मिट्टी को निकालकर धूप में सुखाना चाहिए, जिससे मिट्टी में उपस्थित सूत्रकृमि नष्ट हो सकें। मोरी अंतस के भीतरी मां रखे माया के बाता, रायपुर वाली टूरी झमाझम है घेरी बेरी मारे ताता, दुर्ग वाली टूरी टनाटन है घेरी बेरी मारे ताता। मोरी अंतस के भीतरी मां रखे माया के बाता।
माया के बाता। शहर वाली टूरी झमाझम है, घेरी बेरी मारे ताता। दुर्ग वाली टूरी टनाटन है, घेरी बेरी मारे ताता। किसान भाई हो, अब होवा थे जाए के बेरा। अवैया अंक मा नवा नवा विषय के साथ अही बेरा में फिर उपस्थित होबो। तब तक बर दो इजाजत, जय जोहार।